यार हरियाणे तर यार हरियाणे तर। हे गाइस वेलकम टू द नेक्स्ट ब्लॉग। और सनसेट के टाइम पे देखो स्काई कितनी सुंदर लग रही है। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा अपनी कुछ ट्रिप से जुड़ी हुई पुरानी यादें। और शुरुआत करते हैं मेरे बिल्कुल सबसे पहले ट्रिप की जो मैंने शिमला का किया था 12th क्लास में। उसके बाद मेरा सेकेंड ट्रिप था नैनीताल का, और इधर नैनीताल में मुझे मिली जूटा जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया ट्रैवल करने के लिए। और फिर उसके बाद मेरा जिगरी यार सुनील उड्डा था जिसके साथ मैंने बहुत जगहों का बाइक राइडिंग पे ट्रैवल किया, और वो आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उसकी यादें मेरे साथ हमेशा रहे। सोशल मीडिया के जमाने से दूर उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारी जगहों का ट्रैवल किया बाइकों पे, और ये बंदा इतना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रखता था और इतना इंस्पायरिंग था कि इसकी रणनीति मैं आज भी फॉलो करता हूँ ट्रैवल करने जाता हूँ कहीं भी। तो ये सबसे कम एक्सप्लोर्ड एरिया था और हमने यहाँ बहुत मस्ती की थी उस टाइम पे। ये मैं हूँ, देखो जिंदगी में पहली बार किसी चीज को करने का अनुभव बहुत ही अलग होता है। हमने लाइव स्नोफॉल उस टाइम पहली बार, सबने ही पहली बार देखा था, और बाइकों पे देखो कितनी जबरदस्त स्नोफॉल हुई थी उस टाइम पे, और बहुत तगड़े वाला फील आया था। और लाइफ का सबसे हसीन जो मंजर था और सबसे सुंदर जो नज़ारा देखा था ना वो ये था, और ये मोमेंट थी जो हम लोगों ने वहाँ कैप्चर की थी। फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी लेकिन हम लोगों ने लास्ट के जो स्नैप्स लिए थे ना, और मतलब बहुत नर्वस थे कि जाके रूम पे देखेंगे कि भाई स्नैप्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर कुदरती ये सारे फ़ोटो सेफ थे और आज भी मेरे पास सेफ रखे हैं, इसलिए मैंने इनकी आज एक वीडियो बना दी। ये टी शर्ट्स हम लोग लेके आए थे नेपाल से। और फिर उसके बाद बहुत सारी राइडिंग ट्रिप की हम लोगों ने, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी जगह हमने एक्सप्लोर की और बहुत ही शानदार जो टाइम था अपने लाइफ का जिया। और इसी ने बस पहाड़ों के प्रति मेरा एक इंटरेस्ट पैदा कर दिया जो मैं आज भी पहाड़ों में जाता हूँ। यही मेरा एक रीज़न है कि मैं अपनी पुरानी यादों को भी ताज़ा कर लेता हूँ और नई जगहों को देखने का मेरे अंदर का जो जुनून है, और जो मेरे दोस्त सुनील का दिया हुआ एक तोहफा है वो हमेशा यहाँ जाके दोबारा से ज़िंदा हो जाता है, और उस लाइफ को मैं दोबारा जीना चाहता हूँ। कुछ इस तरह से हम लोगों ने नेपाल का बॉर्डर पार किया था और नेपाल में काफ़ी दिन बिता के आए थे, और उधर उस टाइम पे ये घोड़ा बग्गी चलती थी। फिर हम लोगों ने वैष्णो देवी का ट्रिप किया था जो कि सुनील उड्डा के साथ हमारा लास्ट ट्रिप था, और हमें पता नहीं था कि हमारा साथ इतनी जल्दी छोड़ के चला जाएगा, लेकिन बहुत जिंदा दिल इंसान था। उसने मेरा यहाँ घर बनवाया था और कहा था कि माता रानी से जैसा घर बना के दोगे वैसा माता रानी तुम्हारा घर बनाएगी। उसका बनाया हुआ ये घर है, देखो। मैं कभी भी थका हुआ महसूस करता हूँ ना तो मैं इन पहाड़ों में आ जाता हूँ, इनसे मुझे जीने की प्रेरणा मिली है। और जो मैंने बचपन और जवानी इनमें बिताई है ना, उनमें मैंने बहुत से लोगों को यहाँ देखा है संघर्ष करते हुए, उनका संघर्ष देख के मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश की है, और बहुत सी यादें इनमें घुली हुई हैं। और जो लोग पूछते हैं ना कि तुम पहाड़ों में क्या करने जाते हो, तो ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी। आज भी वो पहाड़ मेरा वैसे ही स्वागत करते हैं जैसा पहले करते थे, और उतनी ही प्यार प्रेम मुझे इन पहाड़ों से मिलता है जैसा पहले मिलता था। और
बहुत बार मैंने स्नोफॉल देखी अपनी लाइफ में, और ये देखो कितनी अच्छी स्नोफॉल थी। ये मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने गया था लॉकडाउन खुलने के बाद, और उस दिन इतनी ज़बरदस्त स्नोफॉल हुई कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा दिल खुश हो गया। कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ आपको मेरे बर्थडे वाले दिन की।